बस्ती जिले के मेडिकल कॉलेज से संबंध सबसे बड़ा अस्पताल कैली अस्पताल के अंदर 1997 में लगे लिफ्ट में मिली लाश। लाश तकरीबन 6 महीना पुरानी लग रही है। लाश की स्थिति इस कदर थी कि कई टुकड़ों में इकट्ठा करना पड़ा। पता नहीं कितने दिनों से लाश बंद पड़ी लिफ्ट में पड़ी थी, जो नरकंकाल में तब्दील हो गई। कैली हॉस्पिटल में काम कर रहे एक मजदूर द्वारा लिफ्ट के अंदर नजर पड़ी तो देखा कि नरकंकाल पड़ा हुआ है। उसने तत्काल अस्पताल के स्टाफ को सूचना दी। सूचना मिलते ही पूरे अस्पताल में हड़कंप मच गया। वहीं अस्पताल के कुछ जिम्मेदारों ने तत्काल थाना कोतवाली पुलिस को सूचना दी। कोतवाल शिवाकांत मिश्रा मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया। नरकंकाल को इकट्ठा किया गया, जिसको डीएनए टेस्ट के लिए फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया। लिफ्ट में पड़े शव की पहचान नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस आस पड़ोस में गुमशुदगी की रिपोर्ट को खंगालने में लगी हुई है। अब कई सवाल उठते हैं कि मेडिकल कॉलेज से संबंध कैली हॉस्पिटल लिफ्ट के अंदर इतने दिनों से पड़ी हुई लाश पर किसी की नजर नहीं पड़ी। आखिर लिफ्ट के अंदर किसने पहुंचाया लाश को? अस्पताल प्रशासन के ऊपर शक की सुई घूम रही है। आखिर इतनी बड़ी घटना को कौन दे सकता है अंजाम? यह एक सनसनीखेज वारदात है। वहीं बस्ती के एडिशनल एसपी दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। मैं स्वयं भी गया था। मौके वारदात पर पुलिस बारीकी से जांच कर रही है और मिले हुए नरकंकाल को डीएनए टेस्ट के लिए भेजा जा चुका है। आइए आपको सुनाते हैं इस विषय पर एडिशनल एसपी बस्ती का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। कल दिनांक 1 सितंबर को शाम को जब कैली हॉस्पिटल में लिफ्ट की रिपेयर का काम शुरू होने जा रहा था, उसी समय हॉस्पिटल प्रशासन ने एक सूचना पुलिस को दी कि लिफ्ट के नीचे एक नरकंकाल पड़ा हुआ है। इस सूचना पर थाना कोतवाली की टीम और साथ साथ फॉरेंसिक साइंस की जो हमारी टीम है वो मौके पर गई। मेरे द्वारा भी वहाँ घटनास्थल का या मौके का निरीक्षण किया गया, तो ये पाया गया कि लिफ्ट के बिल्कुल बेस पे एक नरकंकाल पड़ा हुआ है, जो लगभग काफ़ी पुराना प्रतीत हो रहा था। और जब इस बारे में जानकारी की गई तो लोगों द्वारा ये बताया गया कि 1997 के आसपास जब ये लिफ्ट लगाई गई थी, उसके बाद से ये पैक करके इसी तरह से छोड़ दी गई थी। उसके बाद इसका कभी प्रयोग नहीं हुआ। अब किन परिस्थितियों में ये कंकाल वहाँ मिला है, इसकी हम लोग बिल्कुल गहराई से जांच कर रहे हैं। तब समय किसी प्रकार की कोई गुमशुदगी आज तो नहीं दर्ज हुई थी, उससे हम लोग उसको कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर फिलहाल नलकंकाल को उसको परीक्षण के लिए मोर्चरी में भेजा गया है और हम इसका डीएनए प्रोफाइलिंग या सारी चीज़ें कराएंगे और कोशिश यही करेंगे कि इसकी जो पहचान स्थापित हो, ताकि इसमें आगे भी वैधानिक कार्रवाई की।